हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर। और मेरा नाम है अली। और आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे, खलील रहमान की लेटेस्ट ट्रेंडिंग टिकटॉक प्लस इंस्टाग्राम एडिट्स। मेरे पास सुनो जेंटलमैन, बड़े प्यारे अफजल, ऐसे कई सारे ड्रामों में इनके प्यारे से डायलॉग है, पर ये जब भी किसी टीवी शो में जाते ना तो ऐसी ऐसी लाइनें छोड़ देते हैं कि भाई ट्रेंड में आ जाता बंदा। ऐसी ऐसी गहरी लाइन सही बोलता है, बात, ऐसा लगता है इनका कुछ 10-15 बार दिल टूटा हो। ड्रामे भी तो ऐसे अतरंगी लिखता है भाई, और और तकरीबन सारे हिट जाते हैं दिल यार। टूटा हुआ, पर दिल टूटा हुआ नहीं है, हैप्पीली मैरिड है। सो तो थ्री कहना क्या चाह रहा टू है, टूटा हुआ है, टूटा हुआ लगेगा है। तो कि उसके शायरी से कोई दिल तोड़ा गया वो तो लगता ऐसा। है। सो थ्री टू एंड स्टार्ट। मैं वो गजल सुनाता हूँ जो इंशाल्लाह आवाज में दर्द है यार, एक तरह से मेरी कब्र कतरे पर लिखी जाएगी। मैं ख्वाहिशों के अजाब लेकर चला गया, वो दिल वो खाना खराब लेकर चला गया। मैं छोड़कर अपनी राह तकती उदास आंखें, जो बच गए थे वो ख्वाब लेकर चला गया। जिस पे मैंने मोहब्बतों की वही लिखी थी, वो एक ममनू किताब लेकर चला गया। बस एक अजल को सुना गया हूँ जो दास्तां थी, मैं जिंदगी से हिसाब लेकर चला गया। मैं काफिलों को दिखा गया हूँ निशान मंजिल, मैं रास्तों के शराब लेकर चला गया हूँ। उन्हें कहो कि मैं ढूंढने से नहीं मिलूंगा, मैं गर्द राह की नकाब लेकर चला गया। भाई भाई, उनको भी सलाम, सिगरेट पीने का तरीका देख, जो मुझे जलील किया करते, उनको भी सलाम, सलाम जो मेरे को जलील करते हैं। वो चले गए, मोहब्बतें बाकी रह गई। उन्होंने सबको मार डाला, उनसे मोहब्बत नहीं मरी। इश्क में एक सी नमाज नहीं है, इश्क में एक सी नमाज मियां, इसमें मुल्ला कोई नहीं होता, ये फकत आशिकों का मजहब है। इसमें फिरका कोई फिरका कोई नहीं है। मुझसे मेरे बचपन की कहानी खो गई है। खत लिखना न खत पढ़ना न सोना जेब में रखकर, मोहब्बत तुझसे तेरी हर निशानी खो गई। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया। तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता, तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता, किसको लिखा तो मेरा नाम मिटाया होगा। क्या यार, शेर शायरी करता भाई साहब। सस्ते लोग होते हैं और सस्ते लोगों के लिए महंगे आंसू नहीं बहाया करते। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। अच्छा, ये भी इसका हमारी आंखें तुम्हारा चेहरा, कभी मिले तो बात तो होगी। मर्द जब बेवफाई करता है, एक घर का नुकसान होता है, औरत जब बेवफाई करती है तो एक नस्ल का नुकसान होता है। मैं दोनों बेवफाइयों को नहीं मानता, लेकिन अगर मौत और बीमारी में से चुनना पड़ जाए तो लगेगा मैं मर्द को फेवर कर रहा हूँ। नहीं, मैं औरत को समझा रहा हूँ कि खुदा के वास्ते। ये वाला पॉइंट बड़ा गहरा था। लोग अक्सर नहीं मिला करते भाई, क्या कहें। जब कोई प्यार में हारा होगा, टूटा एक सितारा होगा, वाह वाह, शिर्क में माफी मिलने लगी तो तुमसे इश्क दोबारा होगा, उसने मुड़कर देखा है तो पिछला कर्ज उतारा होगा। वाह, ये तो घर की बात है, उसने दिल को जान से मारा होगा। तेरी आंख समंदर होगी, मेरा जर्फ किनारा होगा। मैंने प्यार किया था लड़की, तुमने वक्त गुजारा। तेरी चो भाई तेरा जी जी
उसका मंजूर नजर कौन है मालूम नहीं, उसका मंजूर नजर कौन है मालूम नहीं, मुझसे कम बख्त गुनेगार भी हो सकता है। मुझे आंखों में पढ़ लिया करना, कहानी अब फसाना हो रही है, दिलों में कूच का आलम है यारब, दिलों में कूच का आलम है यारब, मोहब्बत अब रवाना हो रही है। भाई वाकई खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। तुमने बिकना है तो व्योपार भी हो सकता है, तुमने बिकना है तो व्योपार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। जैसे हर जहन को जंजीर से डर लगता है, पीरो मुर्शिद मुझे हर पीर से डर लगता है। वाह। जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले, जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले, ऐसी लिखी हुई तकदीर से डर लगता है। क्या बोल गया भाई। आंख में नम तक आ पहुंचा, उसके गम तक आ पहुंचा, पहली बार मोहब्बत की थी, पहली बार मोहब्बत की थी, आखिरी दम तक आ पहुंचा, आखिरी दम तक आ पहुंचा, पहली बार मोहब्बत की थी। एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, वाह। एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वाह। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, सही। तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। मैं बेवफाओं के लिए अपने महंगे आंसू नहीं बहा सकता, और इसलिए समझाता हूँ कि भाई किसी को चुनने में गलती हो जाती है, उसके लिए रोया नहीं करते, उस सस्ते आदमी के लिए अपने महंगे आंसू बर्बाद नहीं करते। ब्रेकअप जब होता है ना तो लड़की चुटकियों में भूल जाती है, आखिर में सही लाइन बोल गया, औरत बड़ी स्ट्रांग है लव के मैटर में, मर्द कमजोर पड़ जाता है। अक्सर देख लव मेरे जब होती है ब्रेकअप हो जाता है, मर्द भाई 6 महीने 7 महीने साल 2 साल और तो मैं ये देख रहा हूँ, मतलब कहीं भी शो वगैरह में जाता होगा तो उसे शायरियां बुलवाते होंगे, उम्मीद यही होती है उस्ताद कुछ हो जाए भाई, सब दिल टूटे बैठे। मैं इसको सुन रहा हूँ, मतलब एलू जरून भी एक शायर है और क्या बोलते दूसरा एक वो है, मतलब कि इनका काम है, ये तो एक राइटर है ना, इसका दिमाग भी अभी ऐसे ही शायरों वाले अरे ड्रामे ऐसे लिखता है, अभी जेंटलमैन भी कहीं कहीं डायलॉग ऐसे निकल आते जो होता है, एक तरह से फनी पेज लिखने वाले ऐसा लिखता है। जेंटलमैन की देख ले पूरा, उसने वो नहीं करा शायराना नहीं है, वो सीरियस भी नहीं है, फनी भी है, डालने में वैसा डालता है, पर बंदा कमाल है। आज मैंने देखा मतलब बातें वगैरह ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे जो बंदे की आज तक रेपुटेशन कायम रहे ना, वो समझो बड़ा ही कोई कहते हैं ना इंटेलिजेंट दिमाग है, जिसके लफ्जों में एक चीज होती है, बोलते हैं यार बोला पर बंदे ने गहरी बात कर दी, नहीं तो जैसे बीच में वो देखो ना औरत वाला क्या, औरत अगर बेवफाई करे तो पूरी नस्ल का है, मर्द करे तो एक घर का है, औरत अगर करे तो पूरी नस्ल का। असल में सुनने में तो ऐसा आएगा कि मर्द को ये सपोर्ट कर रहा है थोड़ा सा और औरत को नहीं कर रहा, पर बात है घेराई वाली, इसमें बहुत बात नहीं सपोर्ट की बात नहीं, जैसे क्लियर करा ना, जैसे उसकी जो नस्ल होगी वो एक औरत से तो मतलब आगे बढ़ेगी ना, अगर औरत बेवफाई करेगी तो उसकी पूरी नस्ल का नुकसान है, अगर मर्द करेगा तो वो उसके घर तक एक महदूद है बात, तो उसका पॉइंट ये एक तरह से अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा है। पर इसमें एक और भी बहुत सारी बातें जो क्लियर करना चाह रहा था, क्लियर खत्म हो गई है, लेकिन अब छोटे छोटे पॉइंट मार देता ना अपने दुश्मनों पे
शक ना कर, हाँ तेरा कातिल तेरा यार भी हो सकता है, तेरा यार भी हो सकता है, मतलब करीबी भी हो सकता है, तेरा बराबर में बेटा वही तेरा कातिल हो, तेरा क्या पता चले, दूर दुश्मन पे कर रहा है, बड़ी गहराई वाली बात बोल दी भाई। बाकी अगर आप चाहते हैं इनका एक और पार्ट करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाजमी लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।